निकालो और जल्दी से दूसरी चौकी में सूचित करो, जल्दी। नई नगरी से कुछ लोग राज परिसर में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज का जीवन संकट में है, हमें उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा। महाराज, नगर कोर्ट की भित्ति फांद कर कोई शत्रु घुसाया है। कोई शत्रु नहीं, आप ही की प्रजा है महाराज। गांव तो छीन लिया, अब सांसें भी छीनना चाहते हैं आप। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने लोगों को गांव से दूर किया ताकि रोगियों को चिकित्सा मिले, गरीबों को रोटी मिले, किसी को किसी बात की कमी ना हो। जितना छीना है उससे अधिक देने का प्रयत्न किया मैंने। और सच्चाई तो ये है महाराज, अन्न का एक दाना तक नहीं है, भूखा लोग मर रहे हैं वहां, अपने प्राणों पर खेल ये यात्रा सुनाने आया हूँ महाराज। किसी भी चढ़वा आंखें खोलो। ये उठ क्यों नहीं रहा है? ये गिर क्यों गया? उठो। सिद्धार्थ, वो मर्यादा से अधिक सोमरस पी लिया था उसने, अपना संतुलन खो बैठ। जाओ सर। माँ, ये सोमरस क्या होता है? पुत्र, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो ना हर बात को समझने के लिए बड़ा होना आवश्यक है। हर प्रश्न को आयु के अनुसार ही समझा जाता है। जब हर प्रश्न का उत्तर बड़े होने के पश्चात ही मिलना है तो इस आयु में मुझे ये प्रश्न क्यों आते हैं माँ? महामंत्री, इस माही की बात पर तुम्हें कितना विश्वास? महाराज, माही का वचन और उसकी तलवार कपिलवस्तु के लिए हमेशा से निष्ठावान रहे। यदि आज वो रोगी नहीं होता तो हमारी सेना का नेतृत्व कर रहा होता। द्रोणोदन? जी जी भाई महाराज। नई नगरी में अनाज पहुंचाने का दायित्व तो किसका? वैश्य गौरी गजानन का महाराज। ये वही वैश्य है जो उस दिन न्याय सभा में असत्य बोलते पकड़ा गया था? जी महाराज। कल उसे न्याय सभा में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। नहीं भाई मिथिलाज, वैश्य गौरी गजानन कल न्याय सभा में प्रस्तुत नहीं होगा। मुझे तो लगता है गौरी, जैसे ही तुम न्याय सभा पहुंचोगे बंदी बना लिए जाओगे। लेकिन क्यों, मुझे क्यों बंदी बनाएंगे? मेरे पास तो महाराज जी का आदेश है जिसमें स्वयं उन्होंने नई नगरी में अनाज पहुंचाने पर रोक लगाई। कैसी मूर्खों जैसी बातें करते हो गौरी। अगर वो आदेश देते तो क्यों तुम पर क्रोधित होते, क्यों तुम्हें न्याय सभा में बुलाते? सोच गौरी सोच। मेरे भाई, मुझे तो कपट लगता है। एक बार बंदी बना लिए गए तो बस गए। तो मैं क्या करूं? मेरी बात मान तो भाग जा यहां से और ढूंढ उस सैनिक को जिसने महाराज का वो आदेश पत्र तुझे दिया था। सोच मत गौरी, भाग जा।
क्या वैश्य गौरी गजानन उपस्थित हैं? जी नहीं महाराज, सैनिकों ने राज्य के हर कोने में छानबीन की किंतु गौरी गजानन की कोई सूचना नहीं मिली। कदाचित वो राज्य क्या उसकी अनुपस्थिति उसके अपराधी होने की पुष्टि नहीं? जी महाराज। इसके लिए शक के न्याय में क्या प्रावधान है? जब तक गौरी नहीं मिलता महाराज तब तक इस विषय को स्थगित कर दें। ऐसे कैसे स्थगित कर दें अमात्य? ये राजद्रोह का प्रश्न है, महाराज की आज्ञा का उल्लंघन है, न्याय तो होना ही चाहिए। हाँ महाराज, प्रश्न जब राजद्रोह का हो तो न्याय तुरंत होना चाहिए। महाराज इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूं आपको अभय वचन देना होगा मुझे। अभय वचन? जी हाँ महाराज। मैं तुम्हें अभय वचन देता हूं अमात्य। महाराज नई नगरी में अन्न पहुंचाना राज्य का उत्तरदायित्व था और इस कार्य के लिए गौरी को नियुक्त किया था, वो असफल रहा और कोई नहीं जानता कि इस समय वो कहां है। पहले भी गौरी इस न्याय सभा में अपराधी सिद्ध हो चुका है। न्याय सभा ये बात जानती है अमात्य। तो महाराज अब उसके अपराध का उत्तरदायित्व उसी का बनता है जिसने गौरी का उत्तरदायित्व लिया है। क्षमा करें महाराज, पर न्याय शास्त्र यही कहता है। तुम्हारा संकेत युवराज सिद्धार्थ की ओर है। भाई महाराज आप क्रोधित ना हो और इसे क्षमा कर दीजिए। भाई महाराज कदाचित अमात्य ठीक कह रहा है, हमें इस न्याय को स्थगित कर देना चाहिए। नहीं द्रोणोदन, न्याय होगा, अवश्य होगा। परंतु भाई महाराज, युवराज सिद्धार्थ तो बालक हैं, वो कैसे गौरी के अपराध के उत्तरदायी हुए? उत्तरदायित्व लेने वाले को कल दंड गृह में प्रस्तुत किया जाए, न्याय वही होगा। ये तुम क्या कर रही? सिद्धार्थ पे दया कीजिए दे, मुझे दंडित कीजिए, मैं कोड़े खाने को तैयार हूं, किंतु सिद्धार्थ को दंड गृह मत ले जाइए। जब न्याय सभा ले जाने से नहीं रोका दंड गृह ले जाने से क्यों? पर क्या ये उचित है भैया कि इतनी कम उम्र में वो दंड गृह देखे? आप तो चाहते थे कि सिद्धार्थ पर दुख की छाया भी ना पड़े। जब नई नगरी के निर्माण के लिए आप प्रजा के प्रति निष्ठुर हुए तो मैं आपके पुत्र स्नेह को समझ सकती थी, किंतु आज आप अपने उसी पुत्र के प्रति निष्ठुर हो गए, तो अब यह स्नेह किसके प्रति? न्याय के प्रति। जीवन अंत तक सिद्धार्थ अब कभी न्याय नहीं करेगा। हाँ, और किसी का उत्तरदायित्व तो कभी ना लेगा। मैं चाहता हूँ कि वो क्षत्रिय बने, सम्राट बने, अपने कुल का नाम उज्जवल करे। क्या राजा राम हमारे कुल के नहीं थे? क्या उनमें करुणा नहीं थी? क्या वह प्रजा वत्सल नहीं थी? क्या वह किसी सम्राट से कम थे? क्या वह क्षत्रिय नहीं थे? राम राज्य से बढ़कर और कोई उदाहरण है क्या देव? मैं पिता के साथ साथ एक राजा भी हूँ। जब मैं न्यायसन पर बैठता हूँ तब तो उतर जाइए ऐसे न्यायसन से। मैं शाक्य कुल की ऐसी शासन प्रणाली को नहीं मानती जहाँ एक निर्दोष को
उसकी करुणा के लिए दंड दिया जा रहा है। 8 वर्षों में सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। 8 कोड़ों में 8 जन्मों का दुख देख लेगा आपका भतीजा। उसने न्याय सभा के समक्ष गौरी का उत्तरदायित्व लिया था, पर वो अभी बालक ही है भैया। आर्य 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 ओ आर्य, पता नहीं अब महाराज क्या न्याय करेंगे। उस दिन पूरी सभा ने सिद्धार्थ के न्याय को माना, अब सभा के न्याय को उसे मानना ही होगा। ऐसा न्याय जो शाक्यों के इतिहास में कभी किसी राजा ने नहीं किया। से ढूंढ रहा था तुम्हें और तुम यहाँ हो। तुम रो क्यों रही हो माँ? पिछली बार जब मैं गुरुकुल जा रहा था तब भी तुम रो रही थी। जब भी मैं कोई नई जगह जाता हूँ तब तुम रोने लग जाती हो। और लौशिका कह रही थी कि आज मैं दंड ग्रह जा रहा हूँ। महादेवी, हम युवराज को लेने आए। हाँ हाँ चलो। माँ, मैं दंड ग्रह देख कर आता हूँ। भगवान, भगवान मेरे सिद्धार्थ की रक्षा करना। इतनी छोटी आयु और इतना बड़ा दंड। दंडग्रह में इतनी भीड़ कैसी? महाराज, ये भीड़ न्याय की विनती के लिए है। कृपा कर आप अपने न्याय को स्थगित करते महाराज। हाँ भाई महाराज, मैं आकाश पाता लेकर उस वैश्य गौरी को ढूंढ निकालूंगा। उत्तरदायित्व लेने वाले को उपस्थित किया जाए। लज्जित हूं कि नई नगरी के लोगों के साथ अन्याय हुआ। अन्न पहुंचाना राजा का कर्तव्य है और यह दायित्व मैंने गौरी को दिया था। उसने दोबारा अपराध किया तो उसका उत्तरदायित्व लेने वाला उसके दंड का अधिकारी है। क्षमा कीजिए महाराज, न्याय सभा में आपने एक राजा बनकर सोचा, आप एक पिता बनकर सोचिए। उत्तरदायी दंड भुगतने के लिए सक्षम नहीं, इसलिए उसका दंड उसके पिता को दिया जाता है। भाई महाराज,
आप ये क्या कह रहे हैं? दंड देना राजा का धर्म था और दंड भुगतना पिता का धर्म है। परंतु महाराज, इसका युवराज सिद्धार्थ पर क्या असर पड़ेगा? मेरे पुत्र को यह ज्ञात हो जाएगा कि बिना सोचे समझे झूठे मनुष्य का उत्तरदायित्व लेना भी अपराध है। करुणा से राज्य नहीं चलते। महाराज, उठाओ कोड़ा, मैं तैयार हूं। कोड़ा उठाओ, अन्यथा तुम्हें भी दंडित किया जाएगा। महाराज, गौरी, क्षमा महाराज, देखते क्या हो, बंदी बना लो इसे। क्षमा महाराज, महाराज क्षमा। नए नगरी में अन्न पहुंचाने का दायित्व तुम्हारा था या नहीं गौरी? था महाराज। तो आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महाराज वो भी तो आप ही का आदेश था। क्या? मेरा आदेश? हाँ महाराज, ये देखिए, ये रहा आदेश पत्र। वैश्य गौरी गजानन, इस पत्र के साथ तुम्हें आदेश दिया जाता है कि आज तक राज के आदेशानुसार जो अन्न तुम नई नगरी को भेज रहे थे उसे स्थगित कर दिया जाए। ये पत्र खोटा है, मैंने ऐसे कोई आदेश नहीं दिया। जी महाराज, ये आदेश पत्र खोटा है। परंतु इसका प्रमाण क्या है? इस पर तो राज की मोहर लगी हुई है। मोहर लगाने वाले से एक भूल हो गई है। लोहे की नकली मोहर लगाने के फलस्वरूप इसके सतह पे उभरी हुई हाथी की चित्र खुरदुरी है, जो कि असली सोने के मोहर से नहीं होती। ये पत्र तुम तक किसने पहुंचाया? राज्य के एक सैनिक ने महाराज। कहाँ है वो सैनिक? महाराज, मैं उसी को ढूंढ रहा था। स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने का बस वही एकमात्र प्रमाण था महाराज, पर वो अभी तक मिला ही नहीं। तुम न्याय व्यवस्था को भ्रमित कर रहे हो गौरी। क्षमा महाराज, क्षमा, मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ महाराज। शाक्य न्याय प्रणाली के अनुसार तुम्हारे पास केवल दो ही पर्याय है, एक तो कोड़े, अन्यथा नगर निकाला। महाराज, मैं नगर छोड़ दूंगा, और जाने से पहले मैं एक बार युवराज सिद्धार्थ से मिलना चाहता हूँ। आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, आपका विश्वास बना रहे, इसलिए मैंने किसी भी तरह का लालच न करके कोई भी छल कपट नहीं किया। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, आज नहीं तो कल अपराधी अवश्य दंड पाएगा। बोलो युवराज सिद्धार्थ की जय! 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 महाराज कलकुली नरेश, महाराज मादंड पानी, महादेवी अमिता को स्वयं लेने के लिए कपिल वस्तु में पधार रहे हैं। बोलिया नरेश
अमरेश महाराज दंडपानी पधार रहे हैं। प्रजापति लगता है वो आ गए, तुम देखना उनके स्वागत में कोई त्रुटि ना रहे। अमिता दीदी आप निश्चिंत रहें, यदि वो आपके स्वामी हैं तो मेरे भी भाई हैं। प्रजापति तुम देखना कि इस शुभ अवसर पर भैया और उनके बीच कोई राजकीय बातें ना उभरे। आप चिंता ना करें, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कपिलवस्तु में कोलिया नरेश महाराज दंडपानी के आगमन से हमारा अभिमान और बढ़ गया है। स्वागत है आपका। कदाचित आप संबंध भूल रहे हैं महाराज, कोलिया नरेश इस घर के जमाई है। और एक जमाई ससुराल स्वागत का अवसर कैसे जाने दे सकता है। महाराज दंडपानी जमाई होने का लाभ उठा रहे हैं, आपसे अपने चरण धुलवाना चाहते हैं। तशला लाइए, चरण प्रक्षालन के बाद ही जमाई भीतर कदम रखेंगे। चरण तसले में रखिए भैया। ये तुम क्या कर रही हो प्रजा? मैं कपिलवस्तु के महाराज की अर्धांगिनी हूँ, अर्थात ये धर्म मेरा भी उतना ही हुआ, और आप मेरे बड़े भैया, तो ये दोहरा अवसर मैं कैसे छोड़ दूँ? चरण तसले में रखिए। नहीं प्रजापति, तुम भली भांति जानती हो कि कोलिये पुत्रियों और भगिनियों से चरण स्पर्श नहीं कराते। रहने दो। कपिलवस्तु में आपका स्वागत है भैया। स्वागत है आपका। जैसे समाज को सही मार्गदर्शन देना ब्राह्मण का कर्तव्य है, वैसे ही समाज की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है, और क्षत्रिय बिना शस्त्र के अधूरा है। शस्त्र हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, और इन शस्त्रों का ज्ञान देने आए हैं राजा मितुदन। आज हम धनुर्विद्या सीखेंगे। ये कमान है, इसे प्रत्यंचा कहते हैं, और ये है तीर। इस तीर को इस कमान पर रख, लक्ष्य निश्चित कर, इस तरह प्रत्यंचा को खींच छोड़ते हैं। ये तो सरल है, इससे तो उड़ते पक्षी भी गिर सकते हैं। हाँ कुमार देवदत्त, परंतु ये विद्या निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त होती है। शस्त्रों का अभ्यास क्यों नहीं करते? मुझे शस्त्र अच्छे नहीं लगते। और अश्व? मुझे सारे प्राणी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर पुष्प है ये। तुम इतने सारे पुष्प का क्या करोगी? मैं इन्हें देवता ले जाऊंगी, हमारे यहाँ ऐसे सुंदर पुष्प नहीं होते। ये लीजिए। ये तो घायल है।
दिखा सिद्धार्थ, मैंने उड़ते पक्षी को मार गिराया। ले लो, मैं राजा अमितोदन को दिखाऊंगा। सुना नहीं तुमने, ये मेरा अखेट है, इसे मैंने बचाया है, ये पक्षी मेरा है। तुम अपने ज्येष्ठा का अपमान कर रहे हो सिद्धार्थ। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ ज्येष्ठा। अखेट क्षत्रिय गुण है, पर रक्षा क्षत्रियों का कर्तव्य। यदि तुमने मुझे ये पक्षी नहीं लौटाया तो अच्छा न होगा। नहीं देगा वो आपको, क्या कर लोगे? मैं इसी घड़ी न्याय सभा में जाकर महाराज से याचना करूंगा। हाँ जाओ, मैं महाराज के आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। द्रोणोदन, ये न्याय घंट किसने बजाया? मैंने महाराज। महाराज मुझे न्याय चाहिए। देवदत्त? क्या बात है देवदत्त, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? आप ही बताइए महाराज, मैंने तीर चलाया, एक पक्षी का आखेट किया, तो उस पर किसका अधिकार हुआ? ये तो उजाले में परछाई जैसी सरल बात हुई, जिसका तीर आखेट उसी का। महाराज आखेट मैंने किया, पर युवराज सिद्धार्थ ने वो पक्षी मुझसे छीन लिया, मुझे अपना अधिकार चाहिए। ये न्याय मांगने का उचित समय नहीं है देवता। तो उचित समय कब है? न्याय के लिए न्याय सभा होती है। अब जाओ यहां से। रोदित क्यों होते हो अनुज? बच्चों की हठ और जिज्ञासा दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। क्यों महाराज शुद्धोदन, उचित कहा ना? आप जैसे गुणीजन अनुचित कैसे कह सकते? जब देवदत्त ने न्याय घंट बजा ही दिया है तो उसे न्याय भी अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, महादेवी अचानक अस्वस्थ हो गई है। क्या हुआ माँ, आंखें खोलो, क्या हुआ इन्हें? सुबह प्रार्थना करते समय अपना संतुलन खो बैठी और गिर गई। माँ, क्या आपने भी माही जैसे सोमरस पान किया था जो गिर गए? क्या हुआ प्रजा? समाचार है भैया, इस बुआ को एक और अवसर मिलेगा नामकरण संस्कार में आने का। महादेवी माँ बनने वाली है। बधाई हो प्रजापति, बधाई हो महाराज शुद्धोदन, बधाई हो। बधाई हो भाई महाराज। अनुज, कुल गुरु से शुभ मुहूर्त निकाल कर ये समाचार कपिल वस्तु में पहुँचा दो। उत्सव का आगमन होने वाला है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ महाराज, अब कपिल वस्तु को कोई चिंता ही नहीं रही। अब यदि असित मुनि की वाणी सत्य भी होती है तो भी राजे को भयभीत होने की कोई बात ही नहीं। नया उत्तराधिकारी जो आने वाला है, क्यों महादेवी, है ना? कौन जा गया? चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। अरे अभिनंदन। अरे चलिए। वैसे सत्य कहा है आपने,
सिद्धार्थ को एक और भाई मिल जाएगा लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप भी? जो देख कर आ रहा हूँ वही कह रहा हूँ अमिता। कुमार देवदत्त ने आज ही युवराज के विरुद्ध न्याय याचना की है। याचना? हाँ, और कल भरी सभा में उस पर सुनवाई भी होगी। कहो कुमार देवदत्त, आप दरबार से क्या न्याय चाहते हैं? महाराज, मैंने पक्षी का आखेट किया तो वो पक्षी मेरा हुआ। महाराज, ये पक्षी मुझे घायल अवस्था में मिला, मैंने इसकी रक्षा की, अभी मेरे पास रहेगा। तो अब ये न्याय करना है कि ये पक्षी किसे दिया जाए, जिसने उसे घायल किया उसे या जिसने उसकी रक्षा की उसे। आखेट करना तो क्षत्रियों का गुणधर्म है युवराज। निर्बल की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य है महाराज। पक्षी देवदत्त के तीर से घायल हुआ ये तो मानते हो ना तुम? पर अब ये मेरी शरण में है, ये बात आप मानते हैं या नहीं? मुझे तुम्हारी क्षत्रियता पर संदेह है। और मुझे तुम्हारी मनुष्यता पर। घायल करने से पीड़ा होती है, चित्कार उठता है, पर रक्षा करने से स्नेह बढ़ता है। जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए या पीड़ा? जिस तरह हर बादल से पानी नहीं बरसता, जिस तरह हर वर्ष खेत में एक सा अनाज नहीं उगता, जिस तरह मनुष्य की पाचोमिया एक सी नहीं होती, उसी तरह आखेट भी हर क्षत्रिय का गुण धर्म नहीं हो सकता। सच्चा क्षत्रिय रक्षक होता है, ऐसा आचार्य कहते हैं। धर्म रक्षा क्षत्रिय धर्म, जीव रक्षा पर मोह धर्म। अब आप ही न्याय कीजिए। दांत भी मेरे और होड़ भी मेरे। कुलगुरु वाचस्पति, कृपा करके आप ही न्याय करें। राजन, प्रश्न यह है कि इस पक्षी पर अधिकार किसका है? एक ने क्षत्रिय गुण धर्म दिखाया है और एक ने क्षत्रिय धर्म। मैं भी असमर्थ हूं राजन, अब ये न्याय तो स्वयं पक्षी ही कर सकता है। ये सब क्या है प्रजापति? मायके से जा रही हो अमिता दीदी, इतना प्रेम तो साथ जाएगा ही जाएगा। मैं तो कहती हूँ इस बार तुम भी हमारे साथ देवदा चली चलो, वर्षों से तुम नहीं आई हो वहाँ। बस एक बार युवराज बड़े हो जाए फिर निश्चिंत होकर आ जा सकूंगी। इतने सारे केले देवदा तक जाएगा ये? इसे भूख लगे और रास्ते में कुछ ना मिले तो? मित्र होने के नाते
मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं इसका ध्यान रखूं। मैं भी तो तुम्हारी मित्र हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए? वाह, इतने सारे पुष्प, ये तुम लाए? नहीं, मैं लाया हूँ। देवदत्त, तुम? हाँ, तुम्हें ये पुष्प बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत। वैसे अब पता नहीं फिर कब मिलना हो। बहुत जल्द, ये बुआ नामकरण के समय तो आएगी ही। और कह देती हूँ, आने वाले युवराज का नाम ये बुआ अपने पसंद से ही रखेगी। यशोधरा, सिद्धार्थ कहाँ है? पता नहीं, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। सिद्धार्थ, ये देखो, कुंज ने देख लिया सिद्धार्थ को। कहाँ थे तुम? तुम्हारे लिए भेंट लाने गया था। कहाँ है? दो। ये क्या है? एक जंगल है। ये तो बीज है, ये कोई भेंट करने की चीज है? हमारे आचार्य कहते हैं हर आंख में कई सपने होते हैं, हर आंसू में एक समुद्र होता है, हर तलवार में एक सेना छुपी होती है, उसी तरह हर बीज में एक जंगल छुपा होता है। इन्हें बोओगी तो सारा देवता पुष्प से खिल जाएगा। याद आने से स्नेह बढ़ता है, जगत में स्नेह बढ़ना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। देवी, आपकी औषधि का समय हो गया है। लौशिका, औषधि बाद में, पहले तू तेल लगा। ठीक है। महादेवी, शुभ समाचार सुनकर मन प्रसन्न हो गया है, मानो पंख लग गए हो। हट। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा के साथ दौड़ रही हूँ। परसों बाद इस परिषद में लोरियां गूंजेंगी, किलकारियां सुनाई देंगी, है ना? हाँ। पर एक बात समझ में नहीं आई महादेवी। वो क्या मंगला दीदी? सरा वहां तो देखो, उस कोने में वो मूर्ति, वो राम की मूर्ति, महादेवी माया लाई थी। अच्छा। अब जरा आप वहां तो देखो, वो कोने में वो कृष्ण की मूर्ति, मैं लाई थी। अब जरा दोनों मूर्ति को एक ही समय एक साथ देखो तो। ये क्या ठिठोली है मंगला दीदी? ठिठोली नहीं है महादेवी, सत्य है। अब ये सोचो, एक कोने में सिद्धार्थ खड़े और दूसरे कोने में आपकी होने वाली संतान, तो दोनों का ध्यान एक साथ कैसे रख पाओगी महादेवी? वो दोनों मेरी दो आंखें होंगी मंगला दीदी। दो आंखें एक ही मनुष्य के होती हैं, फिर भी इनमें कितनी भिन्नता। एक फड़फड़ाए तो शगन होता है, और यदि दूसरी फड़फड़ाए तो अपशगन।
करोगी तो अपनी संतान के साथ अन्याय करोगे, और केवल अपनी संतान को देखोगे, महाराज को दुख पहुंचाओ। राजा, मुझे वचन दे कि तू मेरे सिद्धार्थ को उसकी सगी मां बनकर पालेगी। सिद्धार्थ को एक और भाई मिल जाएगा लड़ने के लिए। ये संतान हर शब्द आपके आगे प्रश्न बनकर खड़ी रहेगी महादेव। मुझे वचन दे कि तुम मेरे सिद्धार्थ के सारे इच्छाएं पूरी करेगी।